करो, हमारी मांगे पूरी करो, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, इंजीनियर अरविंद इंजीनियर अरविंद हाय हाय, इंजीनियर अरविंद हाय हाय, इंजीनियर अरविंद हाय हाय, इंजीनियर अरविंद हाय हाय, डिपार्टमेंट हाय हाय, आरईडब्ल्यू मुर्दाबाद, आरईडब्ल्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, खोरी बंद करो, भ्रष्टाचार ठेकेदार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, दुश्मन इंजीनियर अरविंद ठेकेदारों का दुश्मन, 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 इंजीनियर अरविंद इंजीनियर अरविंद हाय हाय, इंजीनियर अरविंद मुर्दाबाद, इंजीनियर अरविंद मुर्दाबाद, इंजीनियर अरविंद मुर्दाबाद, इंजीनियर अरविंद मुर्दाबाद, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, रिश्वत खोरी बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, खोरी बंद करो, परसेंटेज फिक्सर बंद करो, परसेंटेज फिक्सर बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन सिस्टम 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 बंद करो, रूरल डिपार्टमेंट रूरल डिपार्टमेंट हाय हाय, रूरल डिपार्टमेंट हाय हाय, रूरल डिपार्टमेंट हाय हाय, इंजीनियर बिंग की तरफ से हमारे जो ठेकेदारों को काफ़ी परेशानी आ रही है, जो काम हुए हैं उनके बिल उन्होंने क्लियर नहीं किए हैं अभी तक, 31st हमारे आज लास्ट डेट हो चुकी है, और कुछ पंचायतों में जो अलाटमेंट हुई थी उनके एक्सीमेट नहीं बने, उनकी वजह से जो पंचायतों में काम अभी भी आज की डेट में भी काम बाकी है, तो हम बड़े दुख के साथ आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को रूरल डिपार्टमेंट को आगाह कर रहे हैं कि आप जो आपके जो स्टाफ है स्पेशली जो इंजीनियर बिंक है इनके अगेंस्ट आप सख्ती से पेश आएँ, ताकि जो ब्लॉक आर्सपोरा में है पेंडिंग काम है उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और जो ठेकेदार सभी जो इकट्ठे हुए हैं इनके जो आउटस्टैंडिंग बिल हैं जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है उनको भी जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, और जो आदमी जो इंजीनियर जो जेई जो AW जो कमीशन मांगता है उनको सस्पेंड किया जाए और उसके साथ डिसिप्लिनरी एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। जय हिंद जय भारत। सर सबसे पहले मैं आरएसपुरा मीडिया का धन्यवाद करता चाहता हूँ कि सर जो ये जहाँ के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सर इसने क्या किया कि हमारे गांव में एक गली है मुक्ति मोहम्मद साहिद, जब आरएसपुरा से MLA जीते थे सर तब की वो गली बनी हुई है सर, हम चाहते थे कि वहाँ पे काम हो जाए सर, PRI प्लान में काम आया सर, इन्होंने एस्टिमेट ही नहीं बनाया जनाब, इन्होंने एस्टिमेट नहीं बनाया सर, वो गली अब पैसे लैप्स हो रहे हैं, ये इनकी बदौलत है, इनको मैं फ़ोन करता था ये बोलते हैं हम अनसेव नंबर नहीं उठाते चाहे वो प्रधानमंत्री भी हमें करे, ये कहना है इनका जनाब इस डिपार्टमेंट का, तो ये हम ये गलत बात है क्योंकि हम PRI में हम लोगों को क्या जवाब देंगे, लोग बोलते हैं सरपंच साहब पंच साहब ये दोनों काम नहीं करा रहे अपने गाँव का, तो ये कब मुक्ति मोहम्मद साहिब जब आरसपुरा से MLA जीते थे तब की वो गली बनी हुई है, अब उनकी बदौलत ये गली हमारी नहीं बनेगी, ये सब डिपार्टमेंट का कसूर है, जो एरिया जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है इनका कसूर है जी, उनकी वजह से हमारे पैसे लैप्स होंगे। आज का जो है वो इंजीनियर विंग के खिलाफ था, और इंजीनियर विंग पूरा नहीं, उसमें सिर्फ 3 बंदे इन्वॉल्व, एक AE कंधारी मेन जो इसका सूत्रधार है और मेन इनका जो गैंग का जो लीडर है वो कंधारी और AE, उसके बाद उसके साथ ही JE है विकास, उसका तो फ़ोन ही स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि आपने सभी सरपंचों का भी सुन लिया और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का भी सुन लिया कि उनके अल्फाज उनके मुंह से सुने आपने, और तीसरा TA जो कि यहाँ पे संजय था, ये 3 बंदों का गैंग है, इन्होंने ठेकेदारों को हरास किया, उनसे रिश्वत खोरी पैसे मांगे, जिनके पैसे पहुँचे उनके बिल इन्होंने पूरे कर दिए, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से और DC मैम से ऊपर गवर्नर साहब से LG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे ऐसे बंदे को हमने तो पूरा प्रूफ दे दिया कि जिससे पैसे लिए हैं, और कुछ लोग सामने भी नहीं आ रहे लेकिन वो भी आएंगे, क्योंकि जब 1-2 बंदा सामने आएगा वो भी आएंगे, क्योंकि सभी से पैसे इसने लिए हैं, और इसने दफ्तर वहाँ पे जानीपुर में बनाया हुआ था, इसको सरकारी बंदे को दफ्तर बनाने की क्या ज़रूरत थी,
जब यहाँ पे स्टाफ पूरा बैठता है, जो वीडियो का काम यहाँ पे चल रहा है, वो जहाँ पे इतने लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ रात को 12 बजे तक बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वीडियो का स्टाफ जो है यहाँ पे वो काम कर रहा है विदाउट एनी कोई लालच के, बेचारे ब्रेड न्यूट्री खा के यहाँ पे 12 बजे वो खा रहे थे, तो उनका भी आप देखिए। और ये तीन बंदे इन्होंने ब्लॉक का, आरसपुरा ब्लॉक का बेड़ा गर्क किया और ठेकेदारों का बेड़ा गर्क किया, इनकी वजह से अगर पंचायतों को नुकसान होगा इनकी वजह से होगा, ठेकेदारों को नुकसान होगा तो इनकी वजह से होगा। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस, अगर आप कहते हैं कि रिश्वतखोरी पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, तो ये जीता जागता सबूत है। अब हम देखते हैं कि जीरो टॉलरेंस यहाँ पे इसका प्रेस जो जहाँ पे मीडिया आई है उसने, उसके सामने सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं और सभी ने अपनी सच्चाई रखी है। अब देखते हैं कि ऊपर हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैम प्लस डीसी प्लस एलजी प्रशासन इनके ऊपर क्या एक्शन लेता है, हमें इंतजार रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छा काम होगा, क्योंकि बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एलजी साहब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और उन्होंने विद इन डेज ही इस पे एक्शन ले लेना है। जय हिंद, जय भारत।